मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था। गुड मॉर्निंग सर। चुप कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
ये वाली नहीं चाहिए, जाओ। जी साहब। आज ब्लू पैंट और ब्लू कोट। गुड मॉर्निंग सर। सेक्रेटरी कहाँ है? वो चले गए सर। सर उन्होंने कहा कि मैं आगे जाता हूँ, मालिक बाद में आएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि आज 12 अक्टूबर है ना। ओह, मेरा जन्मदिन है आज। आज के दिन आज के दिन कैदियों को जेल में सामान बांटते हैं ना। उन्होंने कहा मैं जाकर तैयारी करता हूँ, क्योंकि जब तक मालिक पहुंचेंगे तब तक मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। सर इन फाइलों पर साइन करना था। कम से कम आज के दिन तो फाइल दस्तखत ये सब भूल जाओ। तुम जा सकते हो। तुम्हारी उम्र क्या है? 14 साल सर। पढ़ने की उम्र। पढ़ने की इच्छा नहीं थी इसलिए घर से भागा है, क्यों? हाँ सर। तुम्हारी इस छोटी सी पढ़ाई लिखाई की उम्र को रसोई के काम में बर्बाद मत कर देना। आज शाम को ही अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार रहना। जी साहब। अरे हाँ, जाते समय 100 रुपए लेते जाना। ठीक है साहब। अच्छा, हर महीने 500 भेज दूंगा। बहुत अच्छा साहब। ओह, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। अरे चलो 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 चलो, अरे हटो हटो, क्या कर रहा है? अरे जाने दो, अरे हटो आगे से, हटो, चलो चलो चलो। आज देखते क्या खाने में, तो बहुत अच्छे अच्छे सामान मिले। चलो 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 चलो, हाँ जी चलो 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 चलो, क्या कर रहे हो तुम? अरे चलो चलो ना यार, ठीक से आओ, देरी करो। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। उमर कैदी है, आपसी बैर में पूरे परिवार को जहर दे दिया। ओए, चल। नहीं नहीं ठीक है। ये शहरी है, ये मानसिक रोगी है, जेवर के लिए 5 साल की बच्ची को मार दिया। ये एंथनी है, इसने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी, लेकिन अब ये पछता रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे साथ धोखा किया। देखो, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं।
मिस्टर दिलीप, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछे। मैं यहाँ पर 3 साल से नौकरी कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ हर साल आप अपने जन्मदिन पर कैदियों से मिलने यहाँ पर आते हैं, इसका क्या कारण है? सब कैदियों को बुलाकर आप अपने हाथों से तोहफा देते हैं, एम आई करेक्ट? हाँ, ये सच है। इन सब के पीछे बस एक ही वजह है, इंसानियत। देखिए ऐसा है मिस्टर राजगोपाल, कि सलाखों के पीछे खड़े इन लोगों को समाज गुनहगार समझता है, लेकिन सलाखों के बाहर पता नहीं कितने गुनहगार हैं, सच है ना? डेफिनेटली, लेकिन एक बात। हाँ कहो। विटनेस ना मिलने पर हम छोटे छोटे सबूत और छोटे छोटे गवाहों को रखकर कैद करते हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। मिस्टर राजगोपाल, 100 गुनहगार बच जाए चलता है, लेकिन एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना? श्योर, नो डाउट। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके डिपार्टमेंट की ये मेहरबानी हुई है मुझ पर। क्यूसी, किस तरीके से? बिना कोई गलती किए मेरे पिता ने यहाँ 7 साल निकाले और उस अनुभव के कारण बाहर आने के बाद भी वो मानसिक रूप से काफी तकलीफें सहते रहे। आज भी वो मेरे गेस्ट हाउस में एक कैदी की तरह रह रहे हैं। मुझे लगता है उन्हीं की तरह यहाँ कितने ही कैदी होंगे, और इसीलिए हर साल यहाँ आता हूँ ताकि इन कैदियों के साथ उनका दर्द बांट सकूं। सॉरी मिस्टर दिलीप, अगर आप सच कह रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी। वैसे अब तो बहुत देर हो चुकी है, चलता हूँ। मिस्टर दिलीप, अगले जन्मदिन पर आपके साथ यहीं पर फिर मुखातिब होंगे हम। जरूर होंगे, अपने अगले बर्थडे पर। आओ चलते हैं। ओके सर। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मालिक आ गए? हाँ। ये सब लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी हाँ। अच्छा, आप सब लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी हाँ। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। इस कंपनी में सब कुछ मेरी मर्जी से चलता है, मैं ही सब कुछ करता हूँ। लाओ दिखाओ, तुम भी दे दो। इस ड्रेस में तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी, खूबसूरत, लाजवाब, बिल्कुल किसी हीरोइन के जैसे लग रही हो तुम। तुम भी दे दो। तुम कहीं रामचंद्र की बेटी तो नहीं हो? जी, मेरे पिता का नाम गोपाल कृष्ण है। अच्छा, वो गोपाल कृष्ण जिसके की नाके में पान की दुकान है? हाँ, हाँ। अरे वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम उसकी बेटी हो? अरे सब आ गया। अरे हंसो यार, दिल खोल के हंसो। सर, सर, इंटरव्यू के लिए लड़कियां आई हैं। लड़कियां आई हैं सर, कुछ को आप देख लीजिए, बाकियों को मैं देख लूंगा। ज्यादा लड़कियां हैं ना सर, आधा आधा हम लोग देखेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, इसलिए कहा। मुंह बंद रखो और जाकर अपना काम करो।
यस, कम इन, कम इन। बैठो। थैंक यू सर। माय नेम इज रीटा। क्वालिफिकेशन? बीएससी। हमेशा ऐसे ही ड्रेस पहनती हो? कभी कभी मैं ऐसे ड्रेस पहनती हूँ, इस बात पर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अभी अभी तो खुद को रॉयल फैमिली का बता रही थी, भिखारी को भीख डालने में भी कंजूसी। जानती हो आजकल कौन भिखारी है ये पता ही नहीं चलता। लक्ष्मी, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। इससे पहले कहीं काम किया है? राजू मोटर्स। कितने समय तक? 5 महीने। लेकिन मैं खुद सर। तुम्हारी पसंद क्या है? ब्लू फिल्म देखना, शराब पीना, नाइट क्लब में डांस करना, ये सब गलत है। ये बोलने से बेहतर है उन लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये सब कम हो। चित्रा आइए, आइए। यस, बैठ जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? चित्रा। ब्यूटीफुल। थैंक्स। मेरा मतलब तुम्हारा नाम। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? बीए इकोनॉमिक्स। आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? आई एम नॉट अ फूल टू वेस्ट माई टाइम। मैं एमए करती तभी इसी तरह नौकरी ढूंढनी पड़ती मुझे। अगर लाइफ में एंजॉय करना है तो ये क्वालिफिकेशन काफी है। आपको कोई अनुभव है? किसमें? मेरा मतलब है स्टेनो, रिसेप्शनिस्ट, पीए, इस तरह के कई काम किए हैं, उसमें से कौन सा? ये स्टेनो का इंटरव्यू है। चंद्रा टेक्सटाइल्स 2 मंथ्स, लक्ष्मी मिल्स 3 मंथ्स, एंड भरत इंडस्ट्रीज। कहीं पर भी ज्यादा क्यों नहीं रुकी? फर्स्ट थिंग, मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर सकती, और नौकरी करना वैसे मेरी जरूरत तो नहीं है, बिकॉज माय ब्रदर इज अ पायलट ऑफिसर। उसे छेड़िए मत, आवाज होती है। यू सी चंद्रा, ऐसा है कि सॉरी सर, माय नेम इज चित्रा। ओ हां चित्रा, मान लो अगर तुम्हें यह नौकरी नहीं मिलती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? और कुछ नहीं सर, ये कंपनी एक होनहार स्टेनो को गंवा देगी, दैट्स ऑल। गुरूर, गुरूर। तुम खुले विचारों के हो, मुझे पसंद आया। मैं तुम्हें रख लेता हूँ। मेरा मतलब स्टेनो की नौकरी में। टू मच। डू यू स्मोक? यस। ये तो कुछ ज्यादा है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, सिगरेट पीना मना है। बॉय, आपकी क्या सेवा करूं सर? सूटिंग? नहीं। शर्टिंग? नहीं। साड़ी?
स्कार्फ, टाई, हमारे पास बहुत वैरायटी है सर, क्या देखेंगे आप? हैंडकरचीफ। ओह, उस तरफ। थैंक यू। कहिए सर, क्या चाहिए आपको? हैंडकरचीफ। नहीं, नहीं, कोई दूसरी वैरायटी है? दूसरी वैरायटी ये देखिए। वंडरफुल। ओके। ब्यूटीफुल। मैंने इस हैंडकरचीफ को कहा पैक कर दीजिए। हेलो सर, क्या चाहिए आपको? करचिफ है। नहीं, नहीं, कोई दूसरा कलर है? ये कलर मुझे पसंद है, उस गुलाब जैसा कलर, राइट? ऐसा कलर है? ये स्टॉक में नहीं है। मुझे यही पसंद है। स्टॉक आते ही दे दूंगी। आप जरूर मंगवा देगी, मुझे विश्वास है। ब्यूटीफुल। मैंने करचीफ को कहा। क्यों शारदा, आजकल ये रोज आते हैं? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? चल जा, दिन में कितने लोग आते हैं, वो सब मेरे बॉयफ्रेंड है क्या? नो नो नो, अक्सर आते हैं इसलिए पूछा। रेगुलर कस्टमर। यू आर लकी, मेरे भी रेगुलर कस्टमर हैं, लेकिन क्या करूं, एक भी टिप टॉपर यंग नहीं होता। शुरू हो गई। ए, वहां देख, तेरे टिप टॉप यंग कस्टमर आ गए हैं। चाचा, थैंक यू। हेलो। हाँ?
क्या चाहिए? मुझे ब्रेसियर चाहिए। ब्रेसियर? क्या साइज है? साइज? कोई भी साइज दे दो। क्यों सर, आपकी वाइफ ने साइज नहीं बताया आपको? वाइफ? हाँ। मेरी अभी शादी नहीं हुई। समझ गई मैं। हाँ अभी बताती हूँ तुझे बुढ़े। स्टेनो के टेबल से कनेक्ट कीजिए। हेलो। हेलो चित्रा। मैं डिस्पैच करने वाला सुंदर बोल रहा हूँ। चित्रा नहीं आई? चित्रा तो आज आई नहीं सर। अच्छा मैनेजर को भेजिए। ठीक है सर, मैं अभी जाकर देखता हूँ और आपके पास भेजता हूँ। आई क्यों नहीं? सर। चित्रा दो दिन से काम पर नहीं आई। सर उसी गम में तो मैंने दो दिन से खाना भी नहीं खाया है। छुट्टी के बारे में कुछ कहा था? लीव लेटर वगैरह कुछ? नहीं सर। फोन? नहीं किया सर। ठीक है, दो दिन देखिए, आए तो मुझे मिलने के लिए कहिए, या फिर उस पोस्ट के लिए किसी और को अपॉइंट कर लीजिए। जी। मौली एंटरप्राइजेस से दूसरे कोटेशन की मांग की है। इसके पेपर्स शायद चित्रा के टेबल पर होंगे, जरा देख लीजिए। जरा जल्दी। बनियान? हाँ। फूल चाहिए या सैंडो बनियान? मुझे सैंडो बनियान पसंद है। करेक्ट है सर, वैसे आप पर सैंडो बनियान ही अच्छा लगेगा क्योंकि बूढ़े लोग ही फुल बनियान पहनते हैं। सर प्लेन चाहिए या कलर? मुझे कलर पसंद है। ओके सर, दिस इज ग्रीन, दिस वन इज पिंक, दिस वन 1115, दिस वन C60। मुझे ये पसंद है। गुड सिलेक्शन। कितने डजन दूं? Just one. Only one? Sir, underwear? Next time. जरूर आएंगे ना? जरूर आऊंगा, कम से कम आपसे मिलने तो आऊंगा ही। Excuse me, sir. हाँ? सर आप हमेशा हैंडकरचीफ लेने आते हैं लेकिन स्टॉक में नहीं रहता। आज है तो मैंने काट कर आपके लिए अलग निकाल के रखा है। ये इसकी जो कीमत है मेरे बिल के साथ जोड़ दीजिएगा, मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। थैंक यू सर। आप इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लीजिए। क्या मैं इसे जरा देख सकता हूँ प्लीज? ब्यूटीफुल। इस बार मैंने कर्चिफ के लिए नहीं कहा और ना ही इस किताब के लिए। ए शारदा, सच बता, जो अभी गया तू उससे प्यार करती है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं? शट अप। ठीक है ठीक है,
अगर तू उससे प्यार नहीं करती तो नाराज क्यों हो रही है बता। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आती है। 120 रुपया तनख्वाह मिलती है, उसमें से घर का किराया और बाकी खर्च करने के बाद बस 40 रुपए ही बचते हैं, और उसमें से मैं, मेरी माँ और बहन, कैसे गुजारा हो सकता है हमारा? मेरे कहने का मतलब वो नहीं, इसके लिए मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं बन गई? यहाँ हंसकर बात करेंगे तो मालिक को मुनाफा होगा, अगर वही हम बाहर निकलेंगे तो उसमें हमारा ही फायदा है ना? अच्छा, ये ले मैंने पढ़ ली। इतनी जल्दी पढ़ ली, कैसी लगी? अच्छी नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो मीनार, आपको कौन चाहिए? मैं चित्रा का भाई बोल रहा हूँ। ओह, चित्रा का ब्रदर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं कंपनी का मैनेजर बोल रहा हूँ। अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, बोलिए क्या काम है? मुझे चित्रा से बात करनी है। चित्रा? वो तो नहीं आई है। नहीं आई? हाँ, आपको पता नहीं है क्या? मैं एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, 10 दिन से बाहर था, आज ही आया हूँ। घर पर आपकी कंपनी का कार देखा, इसलिए आपको। उसने तो सिर्फ 4 दिन ही काम किया था ऑफिस में, अभी ऑफिस में चहल पहल हो ही रही थी कि उसने आना ही बंद कर दिया, लीव लेटर भी नहीं दिया। अरे हमने तो सोचा था कि कम से कम एक फोन तो करेगी, उसने वो भी नहीं किया। क्या? पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वो एक हफ्ते से घर पे नहीं आई है। उसकी जगह पर तो मालिक ने किसी और को अपॉइंट कर लिया है, लेकिन फिर भी उसके बारे में आप अपने रिश्तेदारों से पता कर लीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? क्या चाहिए आपको? शीला, अभी बुलाती हूँ। शीला? हाँ। फोन फॉर मी? ओह, आती हूँ। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, शीला बोल रही हूँ। हाय साइमन, नो पीटर, देन हूँ गोपाल। आपकी आवाज से ऐसा लगा कि ओके, जाने दो। क्या, शाम 5 बजे? लेकिन कहाँ? गांधी मूर्ति के पास। क्या पहचान है? वाइट ड्रेस, रेड रोज। ओके, आई नो यार, वहाँ आकर बात करेंगे। क्या कहा? वाइट ड्रेस, रेड रोज। ओके, डेफिनेटली, या आई विल कम। ओके, वाइट ड्रेस, रेड रोज, थैंक यू। वाइट ड्रेस, रेड रोज, वाइट ड्रेस, रेड रोज, वाइट ड्रेस, रेड रोज, वाइट ड्रेस। अब शारदा, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, कहाँ ये मत पूछना। हाँ, और मैं भूल गई, कल मेरा जन्मदिन है, तुम जरूर घर आना, कल मिलेंगे, ठीक है? ओके, बाय। फोन किया था? पागल, इतना छोटा सा होकर मुझ पे लाइन मारता है? हाँ, मैं तो
फिर किसने फोन किया होगा? आइसक्रीम मुझे भी, मुझे भी। अच्छा, आज आइसक्रीम पॉप। थैंक यू। लक्ष्मी जरा वहां देखना। क्या हुआ शारदा? हाँ? शीला के न आने से तुम्हारा काम डबल हो गया है। काम से ज्यादा होने से मुझे परेशानी नहीं होती, वो होती है तो हंसी मजाक करती रहती है। आज बहुत बोर हो गई, पता नहीं आज क्यों नहीं आई। लीव लेटर भी नहीं भेजा? तुम्हारी तो अच्छी दोस्त है ना, क्या तुम्हें भी नहीं बताया उसने? मुझे कुछ नहीं बताया, उसे कल एक फोन आया था और वो चली गई। कल मेरा बर्थडे है, जरूर आना ऐसा कहकर गई है। मैं सोच रही हूँ जाते समय उससे मिलकर ही जाऊंगी। हेलो, यस रूपसारी, क्लोजिंग टाइम 8 बजे। अब ठीक है? सॉरी, आपको चोट तो नहीं आई? आप इस समय अकेले जाना ठीक नहीं, और वो भी ऐसे सुनसान रास्ते से। गाड़ी में बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। प्लीज बैठिए ना। कहाँ जाना है आपको? कॉटन रोड, बैंड्रा। लेकिन बैंड्रा जाने का ये रास्ता तो नहीं, फिर यहाँ कैसे? मेरी फ्रेंड शीला का बर्थडे है,
उसने मुझे बुलाया था, उसका घर वहीं है। घर जाना है या हॉस्टल? नहीं, मैं अब हॉस्टल ही जाऊंगी। नहीं, अगर फ्रेंड के घर जाना है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं हॉस्टल ही जाऊंगी। आप हॉस्टल में रहती हैं, इसका मतलब आप यहाँ की नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं चेन्नई से हूँ और मेरे सिर्फ माँ ही हैं। यहाँ मामा के साथ रहती हूँ। इस तरह रात में ड्राइवर के बाजू में बैठकर ड्राइवर के साथ बातचीत न करना बिल्कुल गलत है, एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। पर मैं क्या बात करूं? ठीक है, मैं बात करता हूं, आप बस जवाब देते जाइए। मैं अक्सर आपकी दुकान पर आता रहता हूं, आप मुझे गलत समझती हैं क्या? ओह, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी आता हूं, पर्टिकुलरली आपके काउंटर पर आता हूं, इसलिए आप मुझे गलत समझती हैं। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। बिना किसी जान पहचान के मैंने आपको कर्चिफ प्रेजेंट किया, इससे आप मुझे गलत समझती हैं? नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। अगर अब मैं आपसे आई लव यू कहूं तो आप मुझे गलत समझेंगी? नहीं नहीं, ऐसी शारदा, आई लव यू। एतराज न हो तो फिल्म देखने चलते हैं। नहीं नहीं, आज बहुत देर हो गई है। अरे अभी वक्त ही क्या हुआ है, देर कैसी है? हॉस्टल का रूल है, ज्यादा लेट नहीं जा सकते। ओके, तो फिर कभी? संडे। ओके, संडे तय रहा, संडे रात को हम दोनों फिल्म देखने चलेंगे। संडे भी रात को ही जाएंगे? संडे मैटनी चलेंगे, ठीक है? समझोगी दूर रहने से ये हुआ, मैं न जानू मेरे सनम, ना 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 ना, मुझको हुआ तुमसे हुआ प्यार सनम, ना 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 ना। शारदा, कभी किसी के साथ संबंध रखा है? छी, आप भी क्या, मुझे इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, वो कौन सी इंग्लिश नॉवल थी? मुझे याद नहीं है, क्यों? नहीं नहीं, वो तुम रामायण पढ़ने वाली लड़की वो नॉवल कहाँ से पढ़ने लगी? ए बुढ़िया, मरने की बहुत जल्दी है क्या? स्वर्ग जाने के लिए तुझे मेरी गाड़ी मिली थी क्या? चल कोई दूसरी गाड़ी देख। शारदा, तुम्हें नौकरी से छुट्टी किस दिन मिलने वाली है? क्यों? तुम और मैं
सिर्फ हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। कार में चलेंगे। कहाँ? कार में हम खूब ऐश करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें किस करूंगा ना डार्लिंग? आप बड़े वो हैं। ये क्या कर रहे हैं? अरे एक किस तो लेने दो। नहीं छोड़िए ना आप। देखो मना मत करना, बस एक किस। नहीं एक ही। ये क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़िए ना आप। नहीं सर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज सर छोड़िए ना, छोड़िए ना सर। ए मैडम, मुझसे कह रही हो क्या? नहीं सर। तो क्या मुझसे कह रही थी? पागल कहीं की? नहीं, चले जी यहाँ से। सर सर, तुमसे मिला तो मुझे ऐसा लगा ये दुनिया तो हंसी है। मिला तो मुझे ऐसा लगा सांसों में तुम जिंदगी ये मेरी समर जाए। मैं भी चाहूं तेरा साथ सनम, छोड़ तुम्हें हम कहां जाए। सच हो मेरे सपने सारे यो सनम, मैं हूं तेरी बस तेरी ओ सनम। ना 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 ना। तुमसे मिली तो मुझे ऐसा लगा ये दुनिया में बसी है, तेरी बातों से सजी है। मांगूं मैं रब से क्या, तुमसे मिली तो मुझे ऐसा लगा। सुनिए, आप हमेशा इतनी बातें करते हैं, आज चुपचाप क्यों बैठे हैं? आप हमेशा इतनी बातें करते हैं, आज चुपचाप क्यों बैठे हैं? अच्छा शारदा, बिना अनुभव के अगर कोई काम किया जाए तो क्या वो सही होता है? बहुत मुश्किल है, काम के लिए अनुभव होना बहुत जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, तो फिर तुम्हारे घर चले या फिर मेरे घर? किस लिए? नहीं नहीं, अगले महीने हमारी शादी है ना, और अगर अनुभव नहीं होगा तो मुश्किल होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं समझी। सचमुच? आप बहुत बुरे हैं, आपको बात करने के लिए यही टॉपिक मिला था। शारदा, तुम एडल्ट फिल्म देखती हो, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ती हो और कहती हो कि तुम्हें सेक्स में इंटरेस्ट नहीं। बहुत है सर, बहुत है सर। सर आपने दुबई पार्सल भेजने के लिए कहा था, वो पार्सल लेने आ गया, उसको पार्सल दे दूं क्या? क्यों हंसे? आप हंस रहे थे इसलिए मैं भी हंसा। चलो फिर हंसते हंसते दफा हो जाओ। La 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 la
थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते। नमस्ते। चलें? अभी चलना है क्या? ओके, इसी ड्रेस में चलें? कोई बात नहीं। कम ऑन। देवी में बहुत शक्ति है, इसलिए हमेशा भीड़ रहती है। अच्छा अच्छा। आपने अपने भगवान से क्या मांगा? कुछ नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। क्यों जी, आपको प्रार्थना में विश्वास नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन परीक्षा में जाने वाला प्रार्थना से ज्यादा पढ़कर जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। वो ठीक है, लेकिन हमसे ऊपर भी एक शक्ति है, क्या उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए? ठीक है, मंदिर के रथ क्या अपने आप चलते हैं? हम ही उसे खींचते हैं ना। पर प्रार्थना दुनिया का दस्तूर है, लेकिन मैं उसकी मर्यादा रखता हूं। देखिए ना, यहाँ कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं। देखिए ना, एक मूर्ति ले लें। ये देखिए, ये पसंद है? तुम्हें पसंद है ना? हाँ पसंद है। ओके भैया, इस मूर्ति का क्या दाम है? 18 रुपये। क्या शारदा, ये तो बहुत ही सस्ते भगवान है, जरा महंगे वाले भगवान खरीदो। दे दो भाई। क्यों मिसेस शारदा दिलीप, अभी तक शादी शादी कर रही थी, अब बच्चा बच्चा तो नहीं करोगी ना? बोलो। मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है, आपको ही है। देखो, बच्चों के मामले में सारी की सारी दुनिया क्रिमिनल है। ये क्या कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। अब देखो ना, पहले तो अपनी खुशी के लिए बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इस चक्कर में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे ऐसे लाड़ करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी तपस्या के बाद उसे पाया हो। पागल कहीं के। आप क्यों हमेशा हर बात के लिए गलत सोचते हैं? हर बात के लिए तो नहीं, लेडीज और सेक्स, इन दो बातों में मैं सही सोचता हूँ, बहुत अनुभव है मुझे। मोहो, अच्छा तो ये बात है, आपने कहा था आप किसी लड़की को नहीं जानते, कोई भी गलती नहीं की है जिंदगी में, लेकिन आपने कहा आपका अनुभव है। शारदा, ऊंची इमारत से गिरने पर क्या होगा, ये बताने के लिए क्या इमारत से गिरना जरूरी है? बात कर करके प्यार किया क्या? मैं आपसे नहीं जीत सकती। अभी नहीं, मुझे कॉम्पिटिशन रात में अच्छी लगती है। खैर, वो जो दाईं तरफ सफेद बिल्डिंग है वो मेरा घर है। सॉरी, हमारा घर। हाँ, ये है इस घर का घूरखा। इस घर के गेट को मैं 2 बार बदल चुका हूं, लेकिन इसे नहीं बदला। इसकी जानकारी के बिना ना तो कोई गेट के अंदर आ सकता है और ना ही गेट के बाहर जा सकता है। ए, जी सर। तुम्हारी मालकिन। नमस्ते। ये इस घर का माली है, नाम है ललन। ये भी उस गुरखे की तरह काफी पुराना है। देखने में चाहे कैसा भी हो, मगर है बहुत बड़ा कला प्रेमी, और उसका एक नमूना है यहाँ का बागीचा, और हाँ, उसकी एक स्पेशलिटी है यहाँ का लाल गुलाब। हे, ये मालकिन है तुम्हारी। नमस्ते मालिक। ये यहाँ का बावर्ची है, इसका नाम है रामप्रसाद। हाँ, रामप्रसाद जी। हे हे हे, मालकिन है। नमस्ते मालकिन।
बहुत अच्छा खाना पकाता है। इसका खाना खाकर डॉक्टर के पास 200 रुपए खर्च करने पड़े। कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ। हाँ, अब तो डॉक्टर को घर में ही रखना पड़ेगा। ए, क्या हुआ? Come on. क्या इस घर में कोई नौकरानी नहीं है? मतलब कोई औरत नहीं है क्या? किस लिए? कुछ नहीं, मैं पहली बार इस घर में आ रही हूँ ना, इसलिए अगर पूछा पूछा। ओह, तुम जरा सेंटिमेंटल टाइप हो, मैं तो भूल ही गया था। आई एम सॉरी। शारदा, तुम्हारा स्वागत करने के लिए, तुम्हारी आरती उतारने के लिए सिर्फ मेरी माँ थी। मेरी माँ मर चुकी हैं जब मैं बहुत छोटा था, और मेरे पिताजी, वो मेरी माँ से इतना प्यार करते थे कि उसके मरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी ही नहीं की। तुम अपनी इष्ट देवी, क्या नाम है, हाँ दुर्गा, उसी को याद करके अब तुम इस घर के अंदर आ जाओ, ठीक है? नाराज हो? आओ। लगता है आपको लाल रंग पसंद है। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारी साड़ी भी लाल रंग की ली। इसे जरा ऐसे रखो ना। आओ। अब ये इस तरफ है। डर गई? ये जिंदा है? जो डर गया वो मर गया। लाओ इसे, ऐसे बहुत हैं यहाँ, डरने की जरूरत नहीं। आओ। ये मेरा डाइनिंग टेबल है, यहाँ बैठकर कभी खाया हो ये मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे कंपनी देने वाला कोई है ही नहीं, सब कुछ बेडरूम में, मैं अकेला इंसान हूँ। यहाँ जो ये दो तस्वीरें तुम देख रही हो शारदा, इसमें से एक तुम्हारे ससुर हैं। और वो दूसरा जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है। क्या मतलब? एक सुंदर लड़की के हाथों में, जिसका नाम है शारदा। ओ। क्या ये आप है? बचपन में बहुत सुंदर थे। क्यों, अब नहीं हूं? सुनिए, इतने बड़े घर में क्या, इतने बड़े घर में क्या? ये क्या, आपका इतना बड़ा घर खाली खाली पड़ा है, अगर नौकर होते तो। अच्छा, कल तक तो यही इरादा था, लेकिन अब बदल दिया है। अब हमें फैमिली जो बढ़ानी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, रोज ऑफिस जाना है, चाहो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपकी मदद करूंगी। ओके, ऑफिस में मैनेजर से कहकर मेरे कैबिन में डबल बेड डलवा देता हूँ। जाइए ना, हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हैं। ठीक है, आज से सोफे के बारे में सोचूंगा। चलिए चलिए ना। I love you. चलो अब बेडरूम देखते आज हैं। मुझे पूरा घर देखना है, सारे कमरे देख लेते हैं, ठीक है? सोच लो, पूरा घर देखने में कहीं थक ना जाओ। वेल, ये है मेरी लाइब्रेरी यानी कि रीडिंग रूम। आप इतनी किताबें पढ़ते हैं? पढ़ता था, अब इनकी जरूरत नहीं। ये सब तो थियरी है, अब तो मैं प्रैक्टिकल करूंगा ना। अरे री, ये सब ऐसी किताबें हैं? नहीं नहीं, सारी ऐसी नहीं है, पर ज्यादातर वैसी ही है। और ये है मेरा गेम्स रूम। अरे ये क्या, सब दो लोगों के खेलने वाले गेम है और कुर्सी एक ही रखी है, किसके साथ खेलते हैं आप? अकेले। अकेले? हाँ, मैं ही हमेशा जीतू, इसलिए अकेला खेलता हूँ। खेल चाहे कोई भी हो, मुझे उसमें हारना पसंद नहीं, हारने से मुझे सख्त नफरत है। इसका मतलब आज आप पहली बार हारेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सारे गेम में फर्स्ट आकर आज पहली बार आपको हरा दूंगी।
अंधेरा होने तक रुको। आज ही तुम्हें मेरे सारे खेल दिखा दूंगा। ये उसी कमरे का दूसरा दरवाजा है। ये कैसा कमरा है? वो बहुत ही पुराना कमरा है, उसमें कुछ पुरानी चीजें हैं, पिताजी इसे यूज किया करते थे। इससे मिलो, ये हमारे घर की एक और सदस्य है। ये है मेरी इकलौती और सबसे सच्ची दोस्त। ये काटती है? कभी कभी मुझे भी। आओ देखो, वो इस घर का आउटहाउस है। तुमने फोटो में जिसे देखा ना, अपने ससुर को, मेरे पिताजी, वो वहीं रहते हैं। कई सालों पहले बेगुनाह होते हुए भी किसी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, और उस मानसिक सदमे से वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। वहां कैदी की तरह रहते हैं। मैं भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर उन्हें कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है हमारा माली लल्लन। मैं उन्हें काफी दिनों से नहीं मिला, नहीं उनसे कोई बातचीत हो पाई है। आओ तुम्हें बाकी कमरे दिखाता हूं। आओ। ये है हमारा लाइसेंस लेकर गाड़ी चला रहा हूं। हेलो, दिलीप हियर। आ रहा हूं। ओके, कहां ना आ रहा हूं? यस, मेरी कंपनी से फोन था। मेरे मैनेजिंग पार्टनर से मिलने मुझे फौरन जाना होगा। जाना होगा? जल्दी आ जाऊंगा। कैसी थी? वो आपकी तरह अच्छी नहीं थी, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। फिर यहाँ एक दूसरी आंटी भी आई थी, बिल्कुल आप ही की तरह लगती थी वो। कैसी दिखती थी वो? वो जैसी लगती थी। इस घर में तो नौकरानी भी नहीं है, फिर कौन हो सकती है? कौन होगी वो? कोई भी हो, हमें तो जवाब देना ही होगा। ठीक कहा सर, मैंने उसे बताया कि चित्रा ने यहाँ सिर्फ 4 दिन काम किया, उसके बाद नहीं आई, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं सर। वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है, आप क्या करूं? उसे अंदर भेज दो, मैं बात करूंगा। सर अंदर आओ। नमस्ते।
बैठ जाओ। Sit down. मैं चित्रा का भाई हूँ। मैनेजर ने बताया। मैं एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव? यस सर। चित्रा ने पायलट ऑफिसर बताया था। मेरी बहन को झूठ बोलने की आदत है, दिखावा करना पसंद करती है, लड़कों के साथ घूमना फिरना पसंद है उसे। इसमें उसका कोई कसूर नहीं, आजकल जमाना ही ऐसा हो गया है। एक हफ्ते से मेरी बहन लापता है सर। वो आपकी ही कंपनी में काम करती थी। जिस दिन से वो अचानक गायब हुई है उस दिन तक वो आपकी ही कंपनी में काम करती थी। तो ऑफिस टाइम के बाद लापता है ना? जी हाँ, उसी दिन वो शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे गई थी। और वो बॉयफ्रेंड पता नहीं कौन था, मुझे ये सब उस होटल के बेरे ने बताया। कौन सा बेरर? उसे मैं अपने साथ लाया हूँ। शायद वो आदमी यहीं आपके ऑफिस में काम करता हो सकता है। तो आपके ऑफिस स्टाफ को उसे दिखाने में आपको कोई इतराज तो नहीं? नहीं, नहीं। हेलो मैनेजर, मैनेजर यहाँ मुझसे मिलने चित्रा के भाई आए हैं। जी। और अपने स्टाफ से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपने स्टाफ से मिलवा दीजिए। इनसे मिलिए, जेंटलमैन। ये कॉलेज के सामने के बस स्टॉप में खड़े होकर लड़कियों को देखते रहते हैं, एकदम जेंटलमैन। इन्हें कम मत समझिए, ये भी उन्हीं के बिरादरी के हैं। कॉलेज मजनू, सुमति, सब ठीक है ना? टक टक टक। सुंदर बाबू, इनसे मिलिए। ये तो किसी होटल में जा ही नहीं सकते क्योंकि सब होटलों में इनका उधार है। आइए आइए। क्यों, इनमें से कोई है? उस दिन होटल में जिसे देखा था इनमें से कोई नहीं है। यस। देख लिया। सॉरी सर, आपके स्टाफ्स में से कोई नहीं है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डर गई क्या? ये क्या किया आपने? सिंदूर नहीं गिरना चाहिए मंगलसूत्र में लगाते समय तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत सेंटिमेंटल हो। हे, इस कमरे में तुम क्या कर रही हो? देखिए ना, इतना बड़ा बंगला है लेकिन पूजा करने का कोई रूम नहीं। अब तुमने बना दिया ना, कील ठोक कर दीवार पर तस्वीरें लगा दी। अच्छा, आज के बाद आप रोज नहा कर इसका नहा कर उठो। उठो ना। क्यों? जूते पहनकर यहाँ नहीं आते, उठो। अरे जूते उतरवाओगी पता नहीं और क्या क्या उतरवाओगी। उस दिन वो दूसरी आंटी थी ना, उन्होंने हमें गेंद नहीं दी थी। वो कैसी थी? वो आपकी तरह अच्छी नहीं थी, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। फिर यहाँ एक दूसरी आंटी भी आई थी, बिल्कुल आप ही की तरह लगती थी वो। सुनिए, आपसे कुछ पूछना है। पूछो। पहले यहाँ कोई नौकरानी थी क्या? बोलिए ना। किसने कहा? पड़ोस के बच्चों ने बताया मुझे।
वो बच्चे यहाँ क्यों आए थे? वो उनकी गेंद यहाँ आ गई थी इसलिए। अच्छा आप ऑफिस गए थे ना, क्या हुआ, क्या हुआ वहां पर, बोलिए ना। कुछ नहीं। नहीं, फोन पर बात करते समय आपका चेहरा बदल गया था इसीलिए मुझे। कुछ नहीं। आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? कुछ नहीं। कोई बात नहीं है, बताइए ना। कुछ नहीं। बताइए तो मुझसे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आज हमारी शादी का पहला दिन है और इट्स ऑल राइट। आप बहुत थक गए हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे मुझे बाहर जाना है। खाने में क्या बनाऊं? पहले दिन तुम्हारी पसंद? नहीं, पहले दिन बना रही हूँ, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। बोलिए क्या खाएंगे? आज तुम ही मेरी पसंद हो। नाराज तो नहीं ना? प्रॉमिस। प्रॉमिस। मैं जल्द ही आ जाऊंगा।
ओके, ऑफिस में मैनेजर से कहकर मेरे कैबिन में डबल बेड डलवा देता हूँ। जाइए ना, हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हैं। ठीक है, आज से सोफे के बारे में। चलिए चलिए ना। आई लव यू। चलो अब बेडरूम देखते हैं। आज मुझे पूरा घर देखना है। Thank you.
वाटर पाइप लीक हो रहा है। साथ खेलता कूदता था, लेकिन तब लगी चोट आज भी ताजा है। उनकी याद मुझे आज भी डराती है। मेरी यादें मुझे बार बार डराती हैं। वो यादें क्या करूं समझ में नहीं आता। बार बार मत मारो मुझे। नहीं, मुझे मत मारो। भाग के जाएगा।
भाग भाग कर जाएगा कहाँ, वापस लौट कर आया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। लगता है बेचारा बहुत भूखा है। सुनो बेटा आराम से, जल्दी क्या है, धीरे धीरे खाओ गले में अटक जाएगा। सुनिए यही कोई काम दे दीजिए ना, गाय चराने का या घर का कोई भी छोटा मोटा काम कर लेगा, यही पड़ा रहेगा ये। ठीक है तुम चाहती हो तो रख लो यहीं पे, ठीक है ना? माँ मुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है, पिताजी मैं चलती हूँ। संभाल कर जाना। ठीक है माँ। बेटा हाथ धो लो। अरे आराम से आराम से। सुनो बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ, 7 बजे तक आ जाऊंगी, घर का ध्यान रखना। अच्छा माजी। और बिटिया स्कूल से आए तो कॉफी पीने का कहना और तुम भी पी लेना, देख कर कहीं चोट न लग जाए। ठीक है माजी। सब कुछ बताना पड़ता है, दरवाजा बंद कर लेना। हाँ माजी बाहर गई है, माजी ने दूध उबाल कर रखा है, कहा था पी लेना। माँ कहाँ गई? मंदिर। मिंटू माँ कब तक आएगी? 7 बजे तक आने को कहा है। आएगी? 7 बजे तक आने को कहा है। जरा ऊपर आना, मुझे वो शक्कर का डब्बा निकाल देना, हाथ नहीं पहुंच रहा। हाँ क्यों बुलाया? जरा हुक लगा देना ना। मुझे छोड़ दो, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो मुझे। लड़के को रखकर तो बहुत समाधान हुआ भगवान के पास। छोड़ दो मुझे। सच कहती नहीं। ए, तो ना छोड़ मुझे। पिताजी देखा आपने, इसने क्या किया मेरे साथ? पिताजी आपने इसे अपने बेटे की तरह पाला और पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे अकेले देखकर ही इसने मेरे साथ पता नहीं, देखो मेरी इसने, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या करूं मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। नमक हराम करके, मैंने तुझे खाना दिया, काम दिया, उसके बदले में तू ये पाप करता है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अपना बेटा समझकर पाला और तूने ये किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता तो मैं तुझे घर में नहीं रखता,
चल भाग यहाँ से। नहीं, मुझे मुझे मत मारा। तूने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राम, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मारो, और मुझे जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। निकल जा मेरे घर से, दबाओ जा यहाँ। Come on, come on, come on, चलो, come up, 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 come on, Rocky, up, 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 come on, come on, take it, up, hey, किधर आता है? Come on, अंदर जाओ यहाँ से, up, चलो निकलो, कुछ भी नहीं खाया, निकलो यहाँ से, come on, come on, up, देखिए जी, कोई लड़का आया है बेचारा, उसे अंदर आने दीजिए ना, बहुत भूखा हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए, गुरखा, ये मालिक, आने दो उसे, जाओ क्या बात है बेटा, क्या बात है? साहब चार दिन से भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है साहब, थोड़े बिस्कुट मुझे भी दे दो साहब, इसके बदले में आप जो कुछ कहेंगे मैं वो काम करूंगा साहब, मुझे बहुत भूख लगी है। नौकरी के बारे में बाद में सोचेंगे बेटा, पहले तुम खा लो, और लो खाओ खाओ खाओ। क्यों दुर्गा, कैसा लगा ये लड़का? इसे हम लोग काम पर रख लेते हैं। हाँ जी, अच्छे घर का लड़का लगता है, यहीं पर रहने दीजिए, कोई काम कर लेगा वो। क्यों जी? हाँ? कि जल्दी वापस आ जाएंगे ना? देखो तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा। समय पर खाना खा लीजिएगा। ओके, मैंने आपकी दवाइयाँ बैग में रख दी हैं और सेहत का ध्यान रखना। तुम तो बस एक बार बोलना शुरू करती हो तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। मैं भले ही बार बार कहूँ लेकिन आपके कहाँ ध्यान में रहता है? अरे वो मेरी हैबिट है, मैं क्या करूँ मिंटू। हाँ साहब। देखो तुम्हारी मालकिन अकेली है, तुम इनका ख्याल रखना, ये बहुत डरती है, ये तुमसे जो भी कहेंगी तुम उनका कहना मानना, इधर उधर मत जाना, समझ गए? अच्छा साहब। ए मिंटू, घर का ख्याल रखना, मैं साहब को एयरपोर्ट तक छोड़ के आती हूँ, बैग दो। आप माँ जी दो बोला ये दो बेटा, चलो लेट हो रहा है। ओके चलो। माँ जी, मुझे माँ जी कहता है, मुझे देखने से क्या मैं माँ जी लगती हूँ? दीदी का माय स्वीट हार्ट, कम लेट्स गो, कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो। आई लव यू। माय स्वीट हार्ट, ओ कम ऑन, छोड़ो भी, आई लव यू। ए हटो ना मिंटू। देखो तुम्हारी मालकिन अकेली है, तुम इनका ख्याल रखना, ये बहुत डरती है, ये तुमसे जो भी कहेंगी तुम उनका कहना मानना, इधर उधर मत जाना, समझ गए? ठीक है बेटा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस वी आर रिटर्निंग टू द बेस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मिंटो मेरा बैग ले आओ बाहर से। दुर्गा 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 कम ऑन, क्या छोड़ो ना, कम ऑन डार्लिंग। ऊपर एक ऐसी आवाज है, माजी 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 बहुत खराब है। क्या बकरा है तू? माजी माजी किसी के साथ ऊपर
बाज, ये तूने क्या किया? नहीं छोड़ूंगा, नहीं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे साथ धोखा किया, देखो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ मत करना। तू मेरा बेटा है, तेरी परवरिश मैं अपने बेटे की तरह करूंगा, अपने बेटे की तरह करूंगा तेरी परवरिश। जो डर गया समझो मर गया, मेरी परवरिश आपने अपनी इच्छा के अनुसार की। अब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आपकी इच्छा के अनुसार छठी बलि चढ़ी है शीला। शीला शीला रात तक रुको, मेरा खेल तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आज तो तुम ही मेरी पसंद हो।
आप तो वो चित्रा के साथ किसी लिए? ये पैसा चुप रहने के लिए। चुप रहूं? मतलब कितने महीने? समझा नहीं। अच्छा समझ गया, उसे ठिकाने लगा दिया। ये ठिकाने लगाने के लिए? ये रख लो। रुको रुको भाई, इतनी बड़ी बात और इतना सा पैसा, इसमें क्या होगा? को तुम ही रख लो, मेरा इतने से काम नहीं चलेगा, ये तुम ही रखो। बोलो कितने पैसे चाहिए? ये हुई ना कोई बात, एक बात कहूँ, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, एक होटल हो, एक छोटा सा एसी रूम हो, मेरे जैसे 10 नौकर हो और बैंक बैलेंस हो। इसके लिए मैं बैंक से तो ले सकता हूँ, लेकिन तुम दोगे तो अच्छा रहेगा, बस 50,000 रुपए। 50,000? क्या सोच रहे हो? सोच लो। ए, रुको। अच्छा 20,000? 20,000 नहीं, 40,000 रुपए। चलो 35,000 रुपए। 25,000? सॉरी शारदा, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ी नहीं, बहुत लेट हो गए। आते समय नो एंट्री में घुस गया था, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। गाड़ी रखकर मैं अभी आता हूँ। शारदा, शारदा, तू जिसे लाया बेवकूफ, उसने सब कुछ देख लिया, अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। पागल, 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 तुम सब पागल हो।
Thank you.
फिक्र मत करो बेटी। मिस्टर मुरली, आज का पेपर देगा? दिलीप को पकड़कर अस्पताल में रखा है, मेंटल डिसऑर्डर लगता है, बहुत ही पेचीदा केस है। इसकी वजह कुछ समझ में नहीं आ रही है सर, मन में कितना गुस्सा होगा जो वो ऐसा करता है। देखिए, हर बार मर्डर करके बॉडी को बंगले के गार्डन में दफनाना, उस पर एक गुलाब का पौधा लगाना, और हर सुबह बगीचे का माली गुलाब का फूल देता है और उसको अपने कोट में लगा लेता है, ये सब मिलाकर देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला लगता है। सर, मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए दिलीप ही नहीं, उसका समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि कानून को भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साल पहले भी बॉम्बे में एक आदमी को अरेस्ट किया था, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन इससे वो बच नहीं सकता। जांच करने के बाद पता चला है वो पेशेंट भी इस पेशेंट की तरह दिमाग की बीमारी से भुगत रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, कानून की सजा इसको भुगतनी ही पड़ेगी, समझ गए ना? आप उससे कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो जिस कंडीशन में है वो हमारी बात को समझ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, फिर भी आप मिल लीजिए, आइए आइए। मिस्टर दिलीप, मिस्टर दिलीप आइए, यहाँ आइए। आज अक्टूबर 17 है, आपका जन्मदिन, ये लीजिए। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? सब कुछ मालूम होने के बाद भी इतना अटैचमेंट होगा, मुझे नहीं पता था। एक्सक्यूज मी, आप अपने मन को बदल क्यों नहीं लेती? मेरा मतलब है, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। मुझे मेरी प्रार्थना पर विश्वास है, आज भी मैं प्रार्थना करके आ रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मंगलसूत्र हमेशा रहेगा। फिर भी विश यू गुड लक, आइए चलें।